तो देख बिना ब्रेक। डाउनलोड टक ऐप। एक हफ्ते पहले पूर्व बड़ौदा के नवलखी मैदान में नाबालिग लड़की पर हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के बाद पूरे गुजरात राज्य में हड़कंप मच गया है। इस मामले में गुजरात के गृह मंत्री ने पीड़िता के परिवार के साथ मुलाकात की और राज्य सरकार की ओर से तमाम प्रकार की मदद मुहैया कराने का भरोसा भी दिलाया। गृह मंत्री के साथ वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत, जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल, सांसद रंजन भट्ट समेत स्थानीय नेतागण मौजूद थे। जिस जगह पर बलात्कारियों ने लड़की की इज्जत को तार तार किया था वो घने जंगल के बारे में भी गृह मंत्री ने जानकारी ली। गौरतलब है कि वडोदरा पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए 1,00,000 से ज्यादा फोन कॉल ट्रेस किए और कई घंटों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिसके बाद अब पूरी तफ्तीश कुछ चुनिंदा लोगों पर आकर अटक गई है। राज्य सरकार भी इस गंभीर विषय में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए अहमदाबाद समेत अलग अलग जिले की पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया है। प्रदीप सिंह जडेजा ने बताया कि जल्द से जल्द ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, इसके लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि जब तक बलात्कारियों को फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचाया जाता तब तक राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी रहेगी। राज्य सरकार ऐसे दुष्कर्म करने वाले नराधमों को पकड़ने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन कटिबद्ध है। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर अलग अलग टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से गुनहगारों को पकड़ने के लिए पूरा आयोजन किया है और इस घटना का आरोपी को पकड़ने के बाद उसको कन्विक्शन हो, उसको डेथ पेनल्टी हो, उसके लिए हमने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए टूक समय के अंदर उसका कोर्ट के अंदर केस चल जाए, उसको सजा हो जाए, उसके लिए हम सब कटिबद्ध है। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द नराधमों को हम पकड़ने के लिए सफल हो और जब तक उसको फांसी के फंदे तक नहीं लटकाएंगे तब तक हमें भी शांति नहीं मिलेगी।